औरैया जिले में करोड़ों की लागत से बड़ी ब्लड बैंक धूल फांक रही है। स्टाफ की कमी और प्रशासनिक उपेक्षा के कारण जनपद की ब्लड बैंक पिछले कई सालों से बंद पड़ी हुई है। किसी तरह नए जिला अस्पताल का संचालन तो शुरू कर दिया गया, लेकिन यह ब्लड बैंक अपने हालात पर आंसू बहा रहा है। पहले से ही स्टाफ की कमी झेल रहे जिला अस्पताल में ब्लड बैंक न होने से अस्पताल रेफर सेंटर बन चुका है। पैथोलॉजिस्ट से लेकर हड्डी सर्जन और गायनेकोलॉजिस्ट जैसे अहम पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। स्टाफ की कमी के कारण लोग गैर जनपदों में इलाज कराने को मजबूर हो गए हैं। जीवन दायिनी के रूप में वर्षों पहले बनाई गई ब्लड बैंक बंद होने की कीमत यहाँ आने वाले मरीजों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। डॉक्टरों में हमारे यहाँ 18 पोस्टिंग है, उसमें सिर्फ 11 लोग हैं, 7 लोगों का कमी। हमारे यहाँ कोई सर्जन नहीं। तो फिर ये अस्पताल चल कैसे रहा? ये तो शासन को बार बार डिमांड जा रही है कि हमारे नाक कान का सर्जन नहीं है, ऑर्थोपेडिक हड्डी का सर्जन नहीं है, जनरल सर्जन नहीं है और गायनी का सर्जन नहीं है, और ये चार सर्जन की जो है हम लोगों को तो तुरंत आवश्यकता। आई सर्जन आ गए, उन्होंने ज्वाइन कर लिया।